for more overtime in our store. Because I'm number one, actually. Three in one, kya bolo? खुशबू भी और सब कुछ मिलेगा, देखते हैं अभी क्या। Oh my goodness! Finally, finally पैसा आ गया। चलो 30,000 मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। कौन सा है फिर यहाँ पे आने के बाद में साला, कभी 50,000, कभी 65,000, कभी 45,000, कभी 33,000, और तो ऐसा मिलने लग गया था। वहाँ कसम, मेरे को लगा तू चला गया। नहीं नहीं अभी नहीं गया, अभी एक महीना एक्सचेंज करा ना, मतलब एक भाई एकदम कड़क नोट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75। मतलब जो लड़की है ना केजांग जो साथ में ब्लॉग में आती है, एकदम मस्त चीज बोला शशिकांत, डोंट टेक टू मच हेडेक, गो विद फ्लो, जो भी तेरे साथ में हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। तो अच्छा लगा मेरे को, मतलब तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। अभी मेरे पास में 1 घंटा है, बट मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग देखो कैसे लगाया है, और जुगाड़ तो देखो देसी जुगाड़, मेरा चार्जिंग का जो तार है ना वो टूट गया था उसका पिन के साइड से, तो मैंने ना उसके ऊपर है ना सेलो टेप चिपका के और ऐसा लगाया है, तो लेट्स अभी चार्ज हो रहा है। उसमें खाली है ना मेरा मोबाइल मूवी देखने के लिए है, और मेरा ऑफिशियल ईमेल है, मतलब कि कोई मेरे को ब्रांड अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो खाली वो ईमेल आएगा, क्योंकि आजकल इतने सारे हैकर्स हो रहे हैं, कभी के किसी का इंस्टाग्राम गायब हो जा रहा है, तो कभी किसी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जा रहा है, तो मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की है, रातों दिन आग फोड़ा है, रातों दिन शूट किया है, कुछ ना कुछ शूट किया है, तो वो सारी चीज एक झटके में अगर चली जाएगी ना धरती से पैर मतलब कांपने लगेंगे, तो यही सारी सीन थी। बट आज का दिन ब्यूटीफुल दिन है, और क्यों इसलिए, क्योंकि आज का दिन जो सैलरी वाला डे है, एंड जितनी एक्सपेक्टेशन थी सारी एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो गई, बट देर इज नो एनी कंप्लेंट, देर इज नो एनी दिस वन, जितना मेहनत किया था, जितना दिन काम किया था, जितना कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे लिखा था वो मेरे हाथ में आया है। हालांकि कभी कभी ऊपर वाले कभी कभी हर महीने ज्यादा भेज देते थे, कभी डबल पे हो जाता था, कभी ओवर टाइम एक्स्ट्रा हो जाता था, तो कभी बोनस हो जाता था, पता नहीं ये मैंने क्या हुआ, बोनस भी नहीं आया और ना ही ओवर टाइम कुछ ज्यादा घंटे किए हैं हमने मतलब जो मेरी बेसिक सैलरी है सिर्फ उतना ही आया है। अब मेरे को उसमें घर भेजूं या फिर अपने आप के लिए सर्वाइविंग के लिए रखूं, या फिर मैं जिस काम को स्टार्ट किया हूं उस काम के अंदर पैसे फंसाऊं, मैं बहुत कंफ्यूजन आया हूं, मतलब मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं। एक चंक अमाउंट मिला हुआ है, और एक और चलो इधर से तो जान दो, जो भाई यूट्यूब वाला भेजता है वो भी अभी तक नहीं भेजा है मेरे को, मतलब चल क्या रहा है हमारी जिंदगी में। और जैसे कि बता रहा था ना मैं, मेरे साथ में 2 दिन से क्या हो रहा था ना, पता है क्या, मैं अपना जो किचन में मेरा सब्जी का, मतलब जो किचन में मेरा मसाले का ड्रॉअर है, कोई भी मसाला खोलो ये खत्म, जीरा का डब्बा खोलो जीरा खत्म, चिकन मसाले का डब्बा खोलू चिकन मसाला खत्म, तेल खोलू तेल खत्म, नमक का देखो थोड़ा है वो भी खत्म होने वाला है, तो मेरी गृहस्थी कुछ ऐसी चल रही थी। अभी ऑनियन चेक किया, बोला एक ही ऑनियन बचा हुआ है, टमाटो चेक किया 2 टमाटो बचा हुआ है, इसके बाद में आलू चेक किया एक ही आलू बचा हुआ है तो मेरे साथ में ये सारी चीजें चल रही थी। तो अब तो पैसा तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। अब कितना आया है इसके लिए वेट करो, पहले लोगों के साथ में जब मैं मिलूंगा उनसे पूछूंगा उनका रिएक्शन क्या होगा तो देखना, बट हाँ जितना भी मिला यार सब लोग हैप्पी रहेंगे, ऑब्वियसली तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है बिना हैप्पी रहने के सिवा। अगर यही सोचो अरे यार कम मिला है अब मैं क्या करूंगा, भाई यही सोच के आया था जब मैं आया था कि इतना ही मिलेगा तो भी मैं सर्वाइव कर लूंगा, और जब 120 KD समझ लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जब लॉकडाउन में आ रहा था ना मेरे को 120 KD बोला था, मैं तो इतना खुश हो गया था भाई, 120 KD इंडिया का 30,000 होता है, चलो 30,000 मिल रहा है बहुत बड़ी बात है, कौन सा है फिर यहाँ पे आने के बाद में साला, कभी 50,000, कभी 65,000, कभी 45,000, कभी 33,000, और तो ऐसा मिलने लग गया था। फिर जब से वो वॉर हुआ ना ऐसा गिरा, ऐसा नीचे गिरा, वो 50,000, 65,000, 70,000 उसके सपने ही भूल गए, तब से भाई वही 30, 32, 35, 30, 32, 35, 30, 30, 30 उसमें ही अटकी पड़ी हुई है जिंदगी। तभी तो तुम्हारा भाई यहाँ से ग्रो करना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है, तो बहुत जल्दी भाई एक परिंदा यहाँ से उड़ जाएगा, बट टाइम है अभी थोड़ा सा इस परिंदे को उड़ने के लिए, क्योंकि अभी पैसेज का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पैसेज जमा कर रहा हूँ, एंड आप भी आने के बाद में एक दाव अपने लाइफ के ऊपर खेल सकते हैं कि भैया अब थोड़ा लाइफ में और ग्रो करना है। चलो फिलहाल अभी मस्त, मैं पता है क्या, देखो पैंट वीट पहन के बैठा हूँ,
मैं अभी किचन में से आ रहा हूँ, एक घंटे दो बजे का उठा हूँ, एग्जैक्ट 3:05 अभी हो रहा है। और भाई दाल बनाया, राइस बनाया, आलू बैंगन की मस्त वाली सब्जी बनाया, तो अभी तुम्हारा भाई पहले खाएगा क्योंकि कल 4 अंडे खा के सोया था, तो वो अभी खाऊंगा पहले दबा के। अभी बहुत गर्म है ना, तो ऐसा करके नहीं खाना, एकदम आराम से थोड़ा सुकून से ठंडा हो जाए फिर मचा देंगे, फिर निकलेंगे काम पे। तब तक मेरी वाइफ का और मम्मी का फोन आ रहा है, मैं दोनों से बात नहीं करता हूँ ना तो मेरा दिन नहीं जाता है, तो पहले बात कर लेते हैं। भाई आपको बैगन की सब्जी दिखाया नहीं, मगर मैंने खाने बैठ गया था, मेरे को बाद में ध्यान आया, मैं न्यूज़ देखते देखते कि क्या चल रहा है इंडिया में, देखो कौन सा बहुत सारा ये उल्टा सीधा कांड हो रहा है ना, तो मेरा न्यूज़ में घुस गया। तो अभी एक लड़का जाने लगा यहाँ से, तो मेरे को याद आ रही है यार, मगर खाना तो ज़बरदस्त बना है, अभी खा रहा हूँ तो अभी बैगन की सब्जी लाजवाब बनी भाई, दाल चावल तो नॉर्मल ही है जैसा बनता है, सब्जी मज़ा आ गया। तो खाना भी ना, इतने दिन के बाद बनाया था दाल राइस और आलू बैंगन, एक बार दिखाई देता हूँ, ये मेरा आलू बैंगन इतना बचा हुआ है, अभी इसको शाम को आने के बाद ढकेल देंगे। और ये दाल वहाँ कसम, मेरे को लगा तू चला गया। नहीं नहीं अभी नहीं गया, अभी एक महीना एक्सचेंज करा ना, मतलब और काम को जा रहे हैं मतलब। हाँ जा रहा हूँ। हाँ डिजाइन दे दिया था ना। हाँ डिजाइन दे दिया, ये लास्ट है अक्टूबर, ये फिर इस महीने का पैसा उठाना है ना। अच्छा अच्छा, इसके बाद में एक महीना बैठना पड़ेगा ना मगर। हाँ एक महीना, 10-15 दिन लेके चलो। हाँ ओके ओके, बढ़िया ठीक है यार, बहुत दिन के बाद मिला। तेरा भाई तो गया यहाँ से, तनुज मतलब वो दूसरी जगह गया, चला गया। अभी देखो ये लेके आया मैं, घी लेके आया, सेहत बनाओ, सेहत बनाओ, सही बात है, एक महीना बैठना पड़ेगा तो खाना ही पड़ेगा। हाँ मैं भी जाऊँगा कल लेने, अभी सैलरी आया, कितनी सैलरी आया? सैलरी आ गया। हाँ सैलरी आया, मगर इतना सोचा था एकदम नहीं, ठीक है ओवर टाइम में मिल रहा है। मिला देखो ओवर टाइम, मेरे को वो भी नहीं है ना यार, मेरे को मिला ओवर टाइम। कितना आया ओवर टाइम? आया कितना घंटा? मेरा 20 और, चल ठीक है 15 के लिए आसपास, चल सही है यार इतना, चल भी मिलते हैं। चल भाई अपना भाई है, 3 महीना लास्ट है, इसके बाद ये भी चले जाएगा यहाँ से धीरे धीरे, फिर हम भी छुट्टी है, जिंदगी के आखिरी मजे से तू ले रहा है। चल फिर मैं जा रहा हूँ कमाने, है सैलरी? मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी चेक करने जा रहा। चल ठीक है जा चेक कर ले, बाय बाय। हेलो सर, हाउ आर यू? चल बस को अभी टाइम है, थोड़ा वेट करेंगे अपने यहाँ पे। तो ये जो बस का पूरा सुपरवाइज करता है ना, देखो वो खड़ा हुआ है, मोबाइल चला रहा है ब्लैक में, ये पूरा ये इसकी कार है, ये पूरे बस को देखता है कौन जाएगा कौन आएगा कौन असर, पूरा एलोकेट यही करता है भाई। चलो तो बस के लिए भी एक सुपरवाइज़र है यहाँ पर। फील्स लाइक नो बॉडी टूडे, कोई भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। हर बार चलो चलो मैडम फास्ट, लुल्लू में है यार लोग तो। सैलरी आया? हाउ कम मालूम? कितनी शानी लड़की है भाई ये, अरे इधर तो लगे लोग, ये जरूरी है, डन चलते, लॉगिन हो गया अपना। तो अभी है ना मेरे को है ना गूगल पे यूज़ करना है एक्चुअली ना, मैं अपना इंडिया में कनेक्ट एक्टिवेट करके आया था, तो मेरा गूगल पे यहाँ मस्त चल रहा है, तो मैं अपना लाइट बिल भी भर पा रहा हूँ, गैस का पेमेंट करना है वो भी कर पा रहा हूँ। ओ मेरा भाई तो हर रोज़ बोलता है यार ये बंदा। फिर उसके बाद में मेरे को क्या करना था, हाँ किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है वो भी कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट पार्ट है। तो अभी मेरी मुझे है ना किसी को 2000 रुपीज़ सेंड करना है, तो मैं जा रहा हूँ अभी भेजने के लिए, एंड जी हाँ यही है। चलते हैं, पहुँच गए हैं काम पर और सैलरी तो आ गई है, थैंक यू सो मच
सैलरी नॉर्मल बेसिक सैलरी आई है भाई। अब जिसको पता है बेसिक सैलरी कितना मिलता है कुवैत में, उतना ही सैलरी आया है, बस जो बात था बता दिया, समझियो। बट हैप्पी हूँ कि अब मैं खर्चा कर सकता हूँ, अब मैं रात को पैसे भी निकालूंगा क्योंकि मेरे को किसी को देना भी है। सैलरी आयो पुलिस कितना आया? हाउ मच? 100 KG? हाउ मच? 100 KG? 100 KD? 100 KD? झूठ बोलता है। 1 इसको मे बी वी रिसीव 170 राइट? हां 170 173 देख बता दिया उसने। फॉर यू आल्सो 170? नो लेस लेस फॉर मी 200 आई डिड सम मोर ओवर टाइम इन आवर टू बिकॉज़ आई एम नंबर 1 बेसिकली। कुछ भी बोल दिया। हाउ मच यू रिसीव? Yes, I ask everyone. Yes, so we have to ask you, how much you receive? I receive 140. 140? No, you are lying. How come lying? How much you receive? 5 hour overtime, 145. 145. Not too much. Let's see the base sleep, because this guy always lie about it. Seriously. I'm highest. You are highest. She also lying, huh? She received one. She's lying, you know, all this. This girl, if she saw 150, she will make party. नहीं रे भाई क्या जंग, सीरियसली हाउ मच? 170 राइट? आई डिडंट चेक व्हाई। हां ओके ओके मे बी 143 बिकॉज़ यू स्टेइंग कंपनी अकोमोडेशन 33 कट सीधा कट। चलो भाई आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है, एक का दो का कस्टमर अब भी आए जब से मैं आया हूँ, तो ज़्यादा कुछ ऑर्डर बनाया ही नहीं। और मेरे को कितना अच्छा अच्छा कमेंट आया है आज तो भाई, अच्छा लगता है जब आप लोग एकदम रियली कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड एक कमेंट में था कि हम लोग आपके आउटलेट पे विजिट कर चुके हैं, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बट मैं तो था ही नहीं वहाँ पर, मेरे बंदे स्टाफ लोग थे, शायद बिजी के टाइम पे आए रहेंगे वो लोग इसकी वजह से। एंड दूसरा क्या था, हाँ एक बंदा बोल रहा था कि भाई यूरोप कब जा रहा है, मेरा टाइम है अभी, थोड़ा सब्र रखो, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, और तो दिमाग में बहुत सारा, मतलब पहली बात तो शुक्रिया बोलूँगा कि आज पैसा हाथ में है थोड़ा सा, बस चलो चलो। और कुछ ज़्यादा तारीफ, मैंने कभी भी शोबाजी के चक्कर में अपने लाइफ में पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ जितना रियल हूँ वो ठीक वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ना मतलब हंसी मजाक मस्ती पसंद है, और मगर उसके साथ में जो सामने वाला ले सके। और आज एक बंदे ने मेरे को मस्त, मतलब जो लड़की है ना केजांग जो साथ में ब्लॉग में आती है, एकदम मस्त चीज़ बोला, शशिकांत डोंट टेक टू मच हेडेक, गो विद फ्लो, जो भी तेरे साथ में हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। तो अच्छा लगा मेरे को, मतलब एक छोटी चीज़ भी आपको मोटिवेट कर जाती है भाई, अगर आपका साथ में जो पॉजिटिव वाले लोग हैं ना तो भाई आप ग्रो कर जाओगे, वरना वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए अपना संगत चेंज करो और गो विद फ्लो, सब अच्छा ही होगा, ऊपर वाले पर भरोसा। अच्छा लगा। तो हे गाइस जस्ट नाउ अपना फिनिश हुआ अभी सारा का काम, आप लोग को पता रहेगा यार डेली की में मेरा जो ये प्लेस है ना आजकल ये वाला फेवरेट प्लेस बन गया है, बिकॉज यहाँ पे गुड लाइटिंग है और ये लाइटिंग सीधा मेरे मुंह पे पड़ती है, सो दैट वीडियो में चार चांद लग जाता है। जो लोग क्रिएटर है ना उन लोग को इस चीज़ का मतलब और वैल्यू तो पता ही होगा। और जो लोग, मैं ना ऐसे ही आज सर्च किया था पोलैंड के बारे में, तो एक बंदा मिला फ्रॉम पाकिस्तान से, तो सारा डू एंड डोंट्स एंड और क्या इंटरव्यू वीज़ा पता नहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था मैं, तो भाई खाली इसको सुने ही जा रहा हूँ बता रहा था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बोला चलो अपना टाइम तो अभी आया नहीं है, जस्ट एज अ एक्सपीरियंस उसको अपने पास में मैंने रख लिया और मे बी आगे चलकर काम आएगा। बढ़िया यार, आप भी देखते रहो जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है। एंड से बताऊँ आज जैसे कि सबको पता सब खुश है भाई, सब के सब, मैडम तो गई सीधा शॉपिंग करके आ गई, शूज़ वगैरह शॉपिंग हुई क्योंकि ऑलरेडी इनका कनाडा का प्लान बन चुका है ना, तो भैया कुवैत से आने के बाद में आप कनाडा भी मूव हो सकते हो, बट पैसा खर्चा करना पड़ेगा भाई, अराउंड 2500 दिनार खर्चा किया है मैडम ने। लेट्स अभी इनका प्रोसेस है, जब प्रोसेस हो जाएगा वो भी अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो डेफिनेटली विल शेयर दैट जर्नी, अगर नहीं रहूँगा तो कोई बात ही नहीं। बढ़िया यार, बाकी पता नहीं यहाँ पे मेरा हल्का हल्का आज एकदम सर दर्द कर रहा है, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कुछ पता नहीं। और कल सुबह उठ के ना मेरे को राशन भी भराने जाना है, मतलब पूरा मंथली का शॉपिंग, कल वाला ब्लॉग अलग ही होगा, तो कल मेरे को मेरा पूरा मंथली शॉपिंग जो लगता है ना, दाल राइस आटा चावल ये वो सब भरवा के रखना है, टेंशन खत्म हो जाएगा। खाली टमाटो और ऑनियन के लिए एक्स्ट्रा पैसे रखना है क्योंकि वो हमेशा ख़त्म ही होता रहता है ना, हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, यानी कि ज़्यादा ला के भर दिया, पता लगा ये बनाया नहीं तो वो सड़ने में जाता है, ये वाली सिनारियो भी होती है।
ये जो घर गृहस्थी के बारे में मैं सीख रहा हूँ ना, कसम से बता रहा, मेरी जवानी ये सब में नहीं गई है। मतलब कि क्या खत्म हो गया घर पे, क्या नहीं, ये सब मम्मी और वो सब ही देखते थे। मैं तो यहाँ पे आने के बाद में ये सारी चीज़ों का मेरे को खुद को ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी सब खरीदना पड़ेगा, धीरे धीरे अपन कर ही लेंगे शॉपिंग। तो चलो चलते हैं नीचे, अगर यस खरीदना है कुछ सामान, देखता हूँ अगर मिल्क का कुछ ऑफर रहा तो मैं मिल्क खरीद लूँगा भाई, क्योंकि मेरे लिए मिल्क और बनाना शेक पता है ना कितना इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत पीता हूँ, मेरा तो फेवरेट है। अभी तक पीनट बटर नहीं खरीद पाया, उसको भी खरीदेंगे कल ना 8:30 बजे मॉर्निंग में जाएंगे भाई, क्योंकि आराम से 5 बजे वाली ड्यूटी है ना, तो मैं आराम से सो भी सकता हूँ। तो अभी आ रखे भाई ATM में पैसे निकालने, तो बहुत जरूरी है। कार भी प्रोसेस, अभी पिन डालने बोलेगा भाई, बोल दे। अदर कैश तो अपन डालेंगे 75। डन। ओ माय गुडनेस, फाइनली पैसा आ गया है, पैसा आ गया है भाई। हाँ, खुशी हो रही है। मैंने हाफ अमाउंट निकाला, मेरी जो भी सैलरी आई है उसका हाफ अमाउंट निकाला हुआ है, सो इस अमाउंट लाइक भाई एकदम कड़क नोट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75। How much is this? It's not too much, but very happy. Feeling awesome. क्योंकि इसी के लिए तरस गया था भाई, और इतना मेहनत से काम किया है, इतना मेहनत करके काम किया है, तो ये तो मिलना ही था। ये कोई भी शो ऑफ नहीं है, शोबाजी नहीं है। बहुत लोग मेरे को कमेंट कर देते भाई आप पैसा मत दिखाओ, आपकी छोटी सी सैलरी है। भाई ये जो छोटी सी सैलरी है ना, इसमें मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत हैप्पी हूँ, आनंद मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ये भी चेक करें यार। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ चेक करके आओ। देखो वो भी जा रही चेक करने के लिए पैसा। मेरे को है ना लुल्लू से मिल्क खरीदना है, और तेको क्या खरीदना है? कॉफी। ऑनलाइन चेक कर रही थी पैसा, उसको ऑनलाइन चेक करने का मौका ही नहीं मिला। हार्ड लड़की, गुड ना। हाउ मेनी केजी चेक। सो मैंने ये मिल्क लिया है, अब ये देख रहा है कितना, 2.51 और 2 बड़ा वाला इधर है। ओ माय गॉड, OMG, 1 dinar 700 स्पेशल ऑफर, 3 in 1 खुशबू भी और सब कुछ मिलेगा। देखते हैं अभी क्या देखती है, जल्दी करो टाइम नहीं है। केजांग ने मेरे को देखो 5 किलो सरफ लगाया लेके, बाप। हाँ जाओ जाओ जाओ, वो देखो लड़का रख रहा है वहाँ पे, देखो मेरा दूध लिए और मैं इसका ही लिया हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने इतना सारा सामान लिया है, बाकी का बाद में, क्योंकि मेरे को बोलती है तुम पे करो, सब पे करो। तो मेरे को मिल्क मेरा है, हाँ बनाना कल जाके वहाँ पे लूँगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लूँगा मैं बनाना। जो पे करो, तो मैंने मेरा सामान यहाँ पे रखा है, देख लो, और बाकी का स्टाफ आ रहा है। तो ये दिख रहा है, ये पेपर दिख रहा है, जो पेपर रखा हुआ है वो एक इम्पोर्टेंट पेपर है, मैंने कल रात को पढ़ा था, बट मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ समथिंग दैट एक फ्रॉड का सीन है। मतलब किसी को पैसे भेज दिए मगर काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है भाई, जैसे इंडिया में होता है ना, आपको जॉब दिला देंगे फिर जॉब मिलता नहीं है। तो यहाँ पे अभी जस्ट काम पर से आया, अपना शॉपिंग हो रखा है, इधर पे ये हो गया, और मेरा मिल्क ये रहा, मेरा मिल्क 4 लीटर मिल्क आ गया है। 15 दिन या 7 दिन फुर्सत, अगर मैं डेली बनाना शेक पीऊँ फूड से टेंशन नहीं है, तो बढ़िया है। मगर जिस दिन मेरी 5 बजे की ड्यूटी होगी तब तो मैं खाना बनाऊंगा, और जिस दिन 1 बजे की ड्यूटी होगी उस दिन खाना नहीं बनाऊंगा, उस दिन तो ऐसे ही मिल्क शेक और उधर पे ही खाना हो जाएगा। तो फिलहाल थैंक यू सो मच, घर पे आया, थैंक यू सो मच प्रभु, पैसा वैसा आ गया है और सैलरी भी निकाल लिया मैंने, एंड जितना मेरे को भेजना है सब कुछ बराबर है। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, एंड कोई भी शो ऑफ नहीं अभी भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो लोग बोलते रहेंगे भाई 4 चिल्लर जमा करके चिल्लर पाया है और उसमें इतना खुश हो रहा है, जहाँ खुश हो रहा तो खुश हो रहा हो और कुछ नहीं।
चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।